नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको लखनवी चिकन बिरयानी बनाना सिखाएंगे। यह बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए आज लखनवी चिकन बिरयानी बनाते हैं। लखनवी या अवधी चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद अब डाल देंगे कटे हुए प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। चिकन को अच्छे से धुल कर लेंगे। चिकन को प्याज के साथ मिला लेंगे। और अब डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और मीडियम फ्लेम पर चिकन को 5 मिनट पकाएंगे। चिकन को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट। और अब डाल देंगे 4 बड़े चम्मच लहसुन का पानी। लहसुन को पीस कर छन्नी से छान लेंगे और उसका जो मोटा वाला हिस्सा है उसको निकाल देंगे और पानी ही डालेंगे सिर्फ इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके डालने से कलर बिल्कुल अच्छा आता है बिरयानी का। और इसको मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। और अब कुछ खड़े मसाले, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का। लखनवी चिकन बिरयानी की खास बात यह है कि इसमें मसाले बहुत कम पड़ते हैं, सिर्फ मसालों का फ्लेवर डाला जाता है। और अब डालेंगे 1 कप दही। दही को मिला लेंगे चिकन और ग्रेवी के साथ। दही को चिकन के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे 1 चम्मच केवड़ा। केवड़ा को भी मिला लेंगे और 5 मिनट दही को पकाएंगे। 5 मिनट हो चुका है, दही भी पक चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और चिकन को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब जब तक चिकन ठंडा हो रहा है तब तक हम चावल बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए मैंने 1 भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब पानी में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 छोटी इलायची, 3-4 हरी मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी। अब पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड और डाल देंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस। अब डालेंगे सोक किया हुआ चावल। चावल को बनाने से 1/2 घंटा पहले अच्छे से धुलकर भिगो देंगे। चावल को मिक्स कर लेंगे और चावल को सिर्फ 60% ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बाकी चिकन के साथ पकाएंगे। अब चावल में उबाल आ गया है, इन खड़े मसालों को निकाल लेंगे।
और चावल भी पक गया है। अब हम चावल को पानी से छानकर अलग करेंगे। चिकन थोड़ा ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ही ठंडा करना है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध और दूध को मिला लेंगे चिकन और ग्रेवी के साथ। अब चिकन को ग्रेवी से अलग कर लेंगे। ग्रेवी से सारे चिकन को निकाल लिया है। अब जो इसका कलर देख रहे हैं, मैंने इसमें फूड कलर बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसी से इतना प्यारा कलर आया है। अब हम इसको छन्नी से छानेंगे। अब हम ग्रेवी को अच्छे से छानेंगे। ग्रेवी को अच्छे से छान लिया है, सारे खड़े मसाले और कुछ प्याज इसमें रह गया है, इसको हटा देंगे और इस ग्रेवी से अब बिरयानी बनाएंगे। ग्रेवी के ऊपर जो ये तेल दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा निकालेंगे इस तरह से। अब बिरयानी को फाइनल टच देने के लिए मैंने गैस पर एक दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी और अब इसमें डालेंगे ये चिकन जिसको मैंने निकाल कर रखा था ग्रेवी से। और अब ये ग्रेवी मिला देंगे इस चिकन में। अब हम इस ग्रेवी में डाल देंगे एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर, और एक चौथाई चम्मच जावित्री का पाउडर, और ये एक चम्मच केवड़ा। सारी सामग्री को मिला लेंगे ग्रेवी के साथ। ग्रेवी में उबाल आने लगा है, अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। चावल को चिकन के ऊपर अच्छे से फैला लिया है, अब ऊपर से डालेंगे ये तेल जो चिकन के ग्रेवी से मैंने निकाला था, उसको ऐसे डालेंगे, और ये केसर वाला दूध इसको भी डाल देंगे। अब हम कढ़ाई के ऊपर ऐसे आटा लगाएंगे। और इसी के ऊपर ढक्कन लगाकर सील करना है इसको। कढ़ाई में आटा अच्छे से लगा लिया है, अब हम इस ढक्कन को इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे और अपने गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इस बिरयानी को 10 मिनट पकने देंगे। बिरयानी को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, अब हम गैस ऑफ करेंगे और बिरयानी को 10 मिनट इसी तरह से रहने देंगे। अब 10 मिनट बाद बिरयानी को खोल कर देखते हैं, इसका ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार बिरयानी बना है। हम आपको दिखाते हैं इस तरह से, आप देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। अब हम बिरयानी को सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लखनवी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार इस चिकन बिरयानी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे और इसको बनाना भी बहुत आसान है।